खेशमी गांव में डकैतों ने बंधक बना करके लूटपाट। तो पचाची थाना क्षेत्र के खेशमी गांव के एक घर में रविवार की देर रात डकैतों ने घुसकर गृह स्वामी को बंधक बनाकर नगद सहित लाखों रुपए के सोने के गहने लूट लिए। घटना के संबंध बताया जाता है कि खेशमी गांव निवासी अजित मंडल और उनकी धर्मपत्नी सुचित्रा मंडल प्रतिदिन की भांति रात में अपने घर के पीछे का दरवाजा बंद कर सोए हुए थे। देर रात दरवाजा का कुंडी तोड़कर करीब एक दर्जन डकैत घर में प्रवेश कर गए और पति पत्नी को हथियार के बल पर कब्जे में कर हाथ बांध दिए और धमकी देते हुए अलमीरा का चाबी ले लिए। अलमीरा में रखे 50,000 नकद सहित सारे सोने के जेवरात लूटकर चलते बने। सभी लुटेरों ने अपना चेहरा ढक रखा था। डकैतों की उम्र 20 से 30 वर्ष के बीच थी। डकैतों के पास रिवॉल्वर, तलवार, भुजाली, छुरा आदि हथियार थे। तो पचाची थाना पुलिस अहले सुबह घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। पिस्तौल भी था। हाँ, एक हाथ एक जना का हाथ पिस्तौल, दो हाथ का हाथ छोरा, एक हाथ अपनी डांगी, एक हाथ साबोल, किसी को साबोल, किसी को छोरा, किसी को पिस्तौल, हथियार के साथ था। हथियार के साथ में था। हाँ, सब हथियार साथ एकदम। ये उसका एक धर पेछू दिखे सटा दिया पिस्तौल और आगू बढ़ से एक जना छुरी सटा दिया। बोलो जैसे आवाज करा कुछ बोलेगा तो खत्म कर दे। घर में कौन कौन लोग था? आमी दुई आदमी से, मेरा पति और हम। बेटा कहाँ? बेटा सब बाहर पोर्चे बाहर था। बेटा सुमित्रा मिली ना? हाँ, हाँ वही है। ये बोला तार दिए, बाहर से तार दिए। अरे इधर तो अंदर तला है, ये लो इधर से खींचा है। वो ताला लगले है, वो खींचा है जोर से दरवाजा। उसका हाथ में एक तो साबुल था। ओ वही था। हां अच्छा बात, साबुल था। तब पर छुरा था, पिस्तौल था, सब था। बसे रसे रे দেখিছে সামনে চিল্লাঞ্চি, তখন মনে করছে কি বিড়াল ফিড়াল দেখিয়েছে, ঢুকেছে সেই জন্য। তখন বললো কি এলো এর বাবু কি বেটা, যেমনি দেখেছি ওয়া দিকে দেখছি। এসে নিয়ে সিধা এসে ধরে ঘর ঢুকান দিল আর পিস্তল ভিড়ায় আর চাকু দিয়ে বলে একদম চুপচাপ মেরে চল ঘর অন্দর। রাত হ্যাঁ রাতে কয় বাজে করে? ও রাত দু দেড় দু বাজতা। আমি আনজাদে তো দেখি না স্যার। কত আদমি থা? 10-12 আদমি। 10-12 आदमी गुनी था सर। पहचानते किसी को? नहीं सर, कहू को नहीं पहचान। तो चेहरा ढका हुआ था? सर, मुख ढका हुआ। और वैसी उम्र नहीं था, 30-35, 30-35, 22-25 ऐसा ही था। किसी को मारा पीटा भी कुछ है? नहीं, मारा पीटा नहीं है, खाली बांध दिया। आके क्या बोला? सटा कर रख दिया। आके क्या बोला? बोलो कि चलो सब कथा की हो, पैसा गाना गाठी ना। फर्स्ट बोलो पिंजरा के चाबी दो। हिंदी बोला ना बांग्ला में? এক জনা বললো বাংলাতে, বললো চাবিটা কোথায় আছে বৌদি, চাবিটা কোথায় আছে বৌদি? হ্যাঁ বৌদি বললো। আচ্ছা আচ্ছা, বৌদি চাবিটা কোথায় আছে? তখন আমি বলি চাবিটাই এখানে আছে। বললো বার করো, আমাকে ডরে আমি চাবি বার করে দিলাম। সব ওরা খুললো আর নিয়ে নিল সবই। কিলো বলো পয়সা করি সব? আমি বলি সব এখানেই আছে, যে আছে তোমরা যে আছে সব এখানেই আছে, নিয়ে যাও। বলো একদম চাকু, বলো জলদি আন, একদম সঠিক বলো যে কোথায় কী আছে, না বলছে যদি বলবে তো মেরে দেবো। আমি বলি মেরো না বাবা, দেখো তোমাদেরও মা আছে, বোন আছে, আমাদেরকে জান রেখে তোমরা যে আছে নিয়ে যাও, আর মেরো না। কে কে চিজ লেগে গিয়া? কানের গলা কা চেন হ্যায়, কানের ছিল 4-5 জোড়া কানের ছিল আমার, আর গলার ছিল দুটা চেন আর তিনটা লকেট, একটা বালি সোনা। হ্যাঁ সোনার বালি আর চুড় ইয়াতে হাতে, আর তিন তিন জোড়া পায়েল, আর মেরা বড় লড়কি ছিল এক জোড়া, একটো চেন, এক জোড়া কানের, আর আর ও 8-10 হাজার টাকা ছিল ওয়ার। আর যশোদ আমার ছোট লড়কির কেতনা কা সম্মান লেগে টোটাল করিব আন্দাজ? আঞ্জাত 10-12 लाख का सामान ले गया। और कोई सामान लिया है कि सिर्फ जेवर ही लेने आया? जेवर लिया, पैसा लिया, ये दो चीज लिया, बस ये दो चीज लिया। अरे को इंडक्शन चूल्हा ले गया रन्ना घर से। इंडक्शन चूल्हा देखा ही नहीं है सर। अच्छा अच्छा, इंडक्शन ले गया ना? हाँ इंडक्शन बस, और कुछ नहीं। फ्रिज खोला, फ्रिज से देखा कौन ची हो ना है, तो फ्रिज के बारे मैंने एक तो ई बाजे हाँ कासा थाल बाटी और बासन बुधे नींद गई छे, कासार बासन सो कासार बासन गला कासा का बर्तन। हाँ कासा का बर्तन था अंदर में, एगो खुपड़ी था, खुपड़ी तो अच्छे लगा ना खुला के जन बोलते पाची ना, एगो खुपड़ी है तो खुपड़ी तो देखी ना कि करे देखबो चेनी नहीं देखते हो। और अंदर जेगला छिलो यार दो चार ठो थाल
খালি হ্যাঁ কাঁসা আর জাম ছিল বাটি ছিল ঘটি ছিল ও সুচিত্রা মণ্ডল।